ब्रेक पर स्वागत। बात्या पूर्व युद्धकालीन भित्तिरे चली तटवर्ती तलिया अंचलर स्थानांतर प्रक्रिया बात्या को दृष्टि रखी 10 जिलार 250,000 अधिक लोक स्थानांतरित करमु बालेश्वर सर्वाधिक 74,000 अधिक थे भद्रक जिलूर 73,000 अधिक लोक सुरक्षित स्थान को निगला से भाई केन्द्रापड़ा जिलूर प्राय 42,000 और जगत सिंहपुर जिलूर 10,000 लोक स्थानांतरित कर संवेदनशील अंचल राति 9 सुधा स्थानातरण सारे लक्ष्य रखाई एसआरसी अधिक प्रभावित होगा थिबा अंचलरु प्राय 3.5 लाख लोकंकु उद्धार करिबा पई लक्ष्य रखा जाइछि। केन्द्रापड़ा जिल्ला रे यसर प्राक प्रभाव तुहाकु तुहा पवन सांगो को हेउछि प्रबल वर्षा तलिया अंचलरु लोकंकु करा जाइछि स्थानांतर विशेषकरी भितरकनिका एवं राजनगर अंचल रे बात्यार प्रभाव पड़ी पारे बोली आशंका करा जाउछि। मुकाबला एनडीआरएफ ओड्राफ और अग्निशम कर्मचारी पुलिस सह जिला प्रशासन पूरा तैयार रही। देखु दृश्य को दृश्य बयान करबुकि सामुद्रिक झड़ यस स्थल भाग छुईवा पूर्व देखाई प्रभाव आरंभ हो तुहाकु तुहा पवन सांग को प्रबल वर्षा आउ उद्धारकारी दल विपद संकु अवस्था लोक सुरक्षित स्थान को स्थानांतर कर दृश्य होउछि केन्द्रापड़ा जिला राजनगर निकटस्थ समुद्र कूल तालचुआ अंचल से हीपरि पेंठ सात भाया एवं भितरकनिका आदि स्थान में लोक सुरक्षित भाव स्थानांतर कर खाली यही अंचल नुहे जिलार तटवर्ती अंचल ओड्राफ एनडीआरएफ एवं अग्निशम कर्मचारी लोक स्थानांतर कर बहुत भयभीत भितर रही चाला घर सब आम जतक चाला घर वाला समस्त आसी रही ये शुखिला खाद्य चूड़ा बिस्कुट चीनी सब दिखाई पानी दिखाई संपूर्ण व्यवस्था हो जाए कल जहाँ भयभत आज ताकू आहरी बहुत भयभत होती बर्तमान पवन बढ़ी बढ़ी चली सकाल भी नौटा मानने 8 फुट 7 फुट हाइट मैंने आसूला पथर बंधकती पा छिटिका मारूला आम जहाँ कागज पत्र पिला छुआ नहीं आम बात्यास्थल पलै आई बात्या यसर मुकाबला जिला प्रशासन पक्षर जोरदार प्रस्तुति करा जिलापाल अमृत ऋतुराज निजे विभिन्न तटवर्ती अंचल और बात्या आश्रयस्थल परिदर्शन कर जिले में 117 बात्या आश्रयस्थल और 410 स्कूल को आश्रयस्थल भाव व्यवहार कर तटवर्ती अंचल 64 गाँवर लोक और कच्चा घरे बसवास कर 80,000 अधिक लोक सुरक्षित स्थान को स्थानांतर कर शुखिला खाद्य रंधा खाद्यर व्यवस्था भी करा जिले में 5 एनडीआरएफ उड्राफ्र 12 टीम सह 15 अग्निशम टीम नियोजित अच्छा जिले में मोट 394 जन आसन्न प्रसवां सुरक्षित भावे प्रशासन स्थानांतर कर केन्द्रापड़ा जिले 5 ब्लॉक रे क्षयति बेसी होवार संभावना अच्छे राजनगर महाकालपड़ा राजकणिका आली एवं पट्टमुंडाई किसी अंश से ही अनुसार आमर महाकालपड़ा 8 पंचायत एवं राजनगर 12 पंचायत जोटा सी फेसिंग समुद्रकूल में जोटा अच्छे से ही बेस फोकस बर्तमान रहा लैंडफल कले तार अधिक इंपैक्ट भी र तो से आमर तालचुआ रंगणी से सब पोर्सन जितक लोक अच्छे पूरा सेफ साइड रे आमे समस्त को इवाक्युएसन कर फुड स्टोरेज आप ड्राए ड्राए फुड आपर कुक फुड सब दिखाई है एक्स पीडियो आडिशनाल पीडी भी सी ये करते आज मुझे सब गुड़ा टी स्टॉक टेकिंग करदेवि तो आटलिस्ट आम इवाक्युएसन टा कम्प्लीट हो गला मैंने आम सेफ साइड रही जापर राजकनिका आली पटामुंडाई और केन्द्रापड़ा सहर से भी प्रबल वर्षा सांग को तुहाकु तुहा पवन बहुची बात्या यस स्थलभागर जेते निकटवर्ती होउछि पवनर बेग बढ़िबा सह वर्षार प्रभाव भी बढ़ुछि तेबे एसबु भितर मुकाबला पूरा प्रस्तुत अछि जिला प्रशासन केन्द्रापड़ारु कैलाश साहू न्यूज 18 ओडिया। बात्यारे सर्वाधिक प्रभावित हेब बालेश्वर जिला एहाकु नजर रखी जिला प्रशासन पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। मुख्यमंत्री निर्देश में बालेश्वर क्यांप पकाइछन्ति गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र बात्या मुकाबला प्रस्तुतिर समीक्षा करने सहित तो विभिन्न बात्या आश्रयस्थली बुली देखिछन्ती गृह राष्ट्रमंत्री आश्रयस्थलीगुड़िक शुखिला और रंधा खाद्य महजूद रखा सहित तो पीवा पानी निरवच्छिन्न विद्युत जोगाण पर जेनेटर व्यवस्था करमि रही प्रशासन प्रस्तुति से नहीं सहित तो आलोचना करम प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति सर आज आप समीक्षा करते कैसे प्रस्तुत प्रशासन ये मुकाबला करने को धन्यवाद देवी कृतज्ञता ज्ञापन करी समस्त प्रिय मुख्यमंत्री को जी एत समय रे
कठिन समय रे कोविड एवं बात्या आ जोठी विंड स्पीड प्राय 150 रु 165 रु 180 किलोमीटर पर्यंत पहुंचिबो सही समय रे भी लोकंकर जीवन अमूल्य सही संदेश दे चंती जीरो कैजुअल्टी रो वार्ता दे चंती मंत्री मानंकु दायित्व दे चंती वरिष्ठ अधिकारी मानंकु दायित्व दे चंती जिला प्रशासन को दायित्व दे चंती अन्यन्य जिलार टीम अग्रीमेंट करा जाई छी ता सहित कोविड समय रे कोविड परिचालना रे कोनोसी प्रकार असुविधा न हो सेति पई स्टैंड बाय टू स्टैंड बाय जनरेटर करा जाई छी बात्या आश्रयस्थली खाली बालेश्वर जिल्ला रे 1200 बात्या आश्रयस्थली अनेक जगह सेठी जनरेटर सेट जोठी बिजुली रो समस्या अछि आउ समस्त को रंधा खाद्य पहुंचेबा पानीय जल पहुंचेबा सबु ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट रे आरडब्ल्यूएसएस रे एवं अर्बन रे पीएच रे सबु ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट रे स्टैंड बाय जनरेटर सेट पहुंचा जाई छि एटा गोटे बहुत बड़ पदक्षेप माननीय मुख्यमंत्री बात्या आसीबा पूर्वर जो पदक्षेप सब नहीं चंती सेती पई आज सहायक होउची सेती पई आज आमर पूरा टीम एनडीआरएफ ओड्राफ्ट पुलिस प्रशासन फॉरेस्टर टीम एवं फायर डिपार्टमेंटर टीम समस्तंकर मिलित उद्यम रे मु भावुची आमे समस्त जीवन को एवं प्राणी संपदा को भी सुरक्षा देबारे सफल हबा खाली मोर गोटे विनम्र निवेदन समस्त जनसाधारण को कि बात्या समय रे हाईवे भी बंद रहिबो बात्या समय रे केही घर को न बाहरंतु मीडिया और बंधु मानन को भी मु निवेदन रखबि आपन के माध्यम रे काली सकाळ 6टा रु 12टा पर्यंत केही भी बाहरे न बाहरंतु घर भीतर रहंतु सुरक्षा सहित रहंतु आपन देखिबे ई बात्या पार हि जिवो एवं जहां भी क्षय क्षति बात्यार आमे पाइथियो ताकू आमे पुनि थरे पुनरुद्धार करिवार सफल हबा बालेश्वर सतेश सनावती न्यूज 18 ओडिया एनडीआरएफ ओड्राफ अग्निशम बाहिनी प्रस्तुत बात्या यश को दृष्टि रखी राज्यर विभिन्न स्थान में 404 टीम प्रस्तुत रही 52 एनडीआरएफ 60 ओड्राफ 206 अग्निशम 86 ओएफडीसी टीम प्रभावित होगाक जिले में मुतयन होती बालेश्वर 9 एनडीआरएफ 12 ओड्राफ टीम मुतयन होती या सहित 40 अग्निशम और 12 ओएफडीसी टीम को बालेश्वर जिले में मुतयन कर से भली भद्रक रे 10 एनडीआरएफ 9 ओड्राफ टीम 20 अग्निशम और 10 ओएफडीसी टीम सजग रही मयूरभंज रे 7 एनडीआरएफ 6 ओड्राफ टीम मुतयन होता बेले मयूरभंज रे 29 अग्निशम और 10 ओएफडीसी टीम मुतयन होती से जगत सिंहपुर जिले में 3 एनडीआरएफ 3 ओड्राफ टीम सहित 14 अग्निशम और 4 ओएफडीसी टीम सजग अच्छा केन्द्रापड़ा 5 एनडीआरएफ 12 ओड्राफ टीम सहित 15 अग्निशम और 4 ओएफडीसी टीम मुतयन होती जरूरी उपयोग पई 8 एनडीआरएफ और 3 ओड्राफ टीम संरक्षित रही 5 राज्य और आंडामान निकोबर में 115 एनडीआरएफ टीम मुतयन करनडीआरएफ महानिर्देशक एसएन प्रधान सूचना देखते ओडिशा एपर्यंत सर्वाधिक एनडीआरएफ टीम मुतयन होती से कहते आने वाले समय में शाम तक हवा की गति जो है बढ़ जाएगी और लैंडफॉल जो कि कल सुबह 5:30 के आसपास पूर्वानुमान किया गया है एमडी द्वारा उस समय यानी लैंडफॉल के समय हवा की गति 160 के ऊपर 185 तक जा सकती है अर्थात आज शाम से लेकर कल सुबह तक का समय बहुत महत्वपूर्ण है साइक्लोन के मद्देनज़र और तैयारी के लिहाज से इसी के परिप्रेक्ष्य में एनडीआरएफ ने भी राज्य के साथ पूरी तैयारी की है मैं आपको बता दूं कि साइक्लोन यास में लगभग 115 टीमें 5 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में तैनात की गई हैं सर्वाधिक 52 टीम उड़ीसा में तैनात की गई हैं एवं 45 टीमें पश्चिम बंगाल में तैनात की गई हैं 52 टीमें ओडिशा में एवं 45 टीमें पश्चिम बंगाल में दोनों ही रिकॉर्ड तैनाती है एनडीआरएफ की पूर्व में कभी भी इतनी ज़्यादा तादाद में टीमों की तैनाती इन राज्यों में नहीं हुई है साइक्लोन यास में ये फोकस रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीमों को तैनात कर इवैक्यूएशन और एवं जान माल की सुरक्षा का कार्य मुकम्मल किया जाए इसी पर जोर माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय गृह मंत्री कैबिनेट सचिव एवं गृह सचिव ने स्टेट से जब परामर्श एवं वार्ता हुई उस पर दिया और स्टेट से ये उम्मीद की गई कि इवैक्यूएशन का काम
पूरी तन्मयता के साथ और पूरे अच्छी तरह से की जाए।